जो आप दो हिसाब दो की टीम से राजीव सरदाना इस वक्त मौजूद है। राजीव जी, मुझे ये बताइए कि आपने जो आरटीआई लगाई थी उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आया है? ऐसा अभी आरटीआई वाली का जवाब तो अभी बता नहीं सकेंगे क्योंकि वो उसको कागज पे लाएंगे जब बताएंगे। मुद्दा ये है, मुद्दा पूछना चाहते हो, मुद्दा ये है, ये पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, जिस तरह मधुन पार्क है पब्लिक के लिए बना हुआ है, नगर निगम के अंदर आता है ये। इसके ऊपर ये बनाया तो गया था लोगों के लिए, एक आम पब्लिक के लिए। पिछले 10 साल से इस पर जितने डीसी आए सबका कब्जा रहा। मतलब इससे कोई ज़्यादा लाई प्रॉपर्टी हो, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की चीज़ है, पब्लिक को हवाले करनी चाहिए। आज़ाद नगर के लोगों ने एजिटेशन भी किया इसके लिए, उस समय के डीसी साहब ने इनको आश्वासन दे के भेज दिया हम खाली कर देंगे, लेकिन खाली नहीं किया। उसके बाद इन्होंने इस पर फाइबर लगवा दिए, ये चारों तरफ आप देखो गेट पर भी फाइबर लगवा दिया ताकि किसी को पता ही ना लगे। और उसके अलावा और जो बातें हैं ये हमारे साथी हैं, हमारी एसोसिएशन के हैं आशीष जैन जी, इनसे पूछ लीजिए। आशीष जी, मुझे ये बताइए कि 10 साल से जब इस पार्क के ऊपर आप कब्जे की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद क्या आपको ये याद आया है पार्क? मैम, जब हमें जानकारी मिलेगी तभी तो हम कुछ करेंगे। हमें जानकारी अभी हाल फिलहाल में हुई। जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये कुछ हमें गूगल मैप्स और जब हमने हिसार का की मैप चेक किया तो यहाँ उसमें इस तरह की चीज़ें हमें पता लगी। फिर हमने इसकी थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन की तो इसके बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से पता लगा। और ये भी पता लगा कि तो हमें ये लगा कि सबसे बड़ा मामला इसमें है जो वो ये है कि इसका खर्च कहाँ से हो रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक समझ पा रहा हूँ मैं कि एक तो है कि पार्क खोला जाए लेकिन अभी तक जो इसको मेंटेन करने का खर्च है वो दे कौन रहा है, और ये जनता के पैसे जा रहा है या डीसी साहब के तनख्वाह से जा रहा है, ये असली मुद्दा है। अगर जनता के पैसे जा रहा है तो मुझे लगता है कि इन डीसी महोदया और इनसे पहले जो डीसी गए हैं उन सबके एसीआर में ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और जो भी हमने इसीलिए कमिश्नर साहब को भी लिखा है कि आप इस पर एक इंक्वायरी कंडक्ट कीजिए और पहले FIR दर्ज करवाइए, अगर ये पार्क में पैसा पब्लिक का इस्तेमाल हो रहा है तो FIR दर्ज करवाइए और सभी जितने डीसीज हैं सबके खिलाफ इंक्वायरी मार्क करवाइए। तो आपने जो आरटीआई लगाई है उसके अंदर तो साफ तौर के ऊपर पता लगा होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी एक्चुअल में क्या है कि ये बड़ा सेक्शन 4 है, एक सेक्शन 4A(b) आरटीआई का, और इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में भी इस तरह की जानकारी है, इनको वेबसाइट पे डालनी थी लेकिन दुर्भाग्य से हर कोई जो है जानकारियों को छुपाने का काम कर रहा है। तो हमने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी है इस बारे में कि आप हमें इसका डाटा दो, तो जल्द हमें डाटा मिलेगा, हम उससे शेयर भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो निगम कमिश्नर है उनकी जानकारी के बिना ये काम जो है पॉसिबल हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखो कोई भी IAS अफसर है, कमिश्नर लेवल के हैं तो उनके पास काम तो बहुत है और फाइलों का तो ढेर होता है, लेकिन अगर उनके मामले संज्ञान में आ गया है तो अब हमें लगता है कि हमारा जरूर हमें इसके बारे में सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा है भाई, ऐसा है। कितनी एकड़ में ये पार्क है आपकी मतलब नॉलेज के अनुसार? अभी एकड़ तो हमें मालूम नहीं है, आप अंदाजा देखिए काफी बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है, अगर आप थोड़ा सा नजर घुमाएंगे तो आप अंदर देख सकते हैं। कि पहले आजाद नगर के लोगों ने यहाँ पर दर्शन भी किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ था कि ये आजाद नगर के लोग जो घूमने के लिए सैर करने के लिए आते हैं उन्होंने कहा था कि ये पार्क खोला जाए हमारे लिए। तो आप किस तरीके से इसके पार्क पे जो कब्जा है आप कह रहे हैं जी उपायुक्त का कब्जा है, हाँ जी, उपायुक्त के कब्जे से इसको छुड़वाया जाए, किस प्रकार से लड़ोगे आप? देखो हमारा अभी हालांकि पाइपलाइन में चीज़ें हैं लेकिन हमारा मकसद ये है कि किसी दिन हम यहाँ आएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और यहाँ बैठ के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे और साथ में जो जितने ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, ये सब संविधान की शपथ लेके आते हैं, संविधान की शपथ लेके आते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे, पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं, हम उसी का पाठ यहाँ पढ़ेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि जो आप शपथ ले रहे हैं वो उस पर कितना खड़े उतर रहे हैं, आप खुद अपने अंदर जाको। अगर आपने गूगल मैप के ऊपर सर्च किया होगा तो जानकारी निकाली होगी पार्क कितनी एकड़ के अंदर है, उपायुक्त मैडम का घर कितनी एकड़ में बना हुआ है और कितना एकड़ जो है उपायुक्त मैडम को सरकारी महकमे से मिल सकता है। मैम इसके बारे में हमने आरटीआई डाल लिया। दूसरा क्या है कि इसका सर्टिफाइड जो नक्शा है उसको आप स्केल से माप सकते हैं, तो गूगल मैप पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप स्केल के हिसाब से जांच करके बता सके कि इसकी कितना इसका टोटल एरिया है, तो वो गूगल पे कुछ आता नहीं इस तरह से। कुछ कहीं ना कहीं बातें निकल कर आ रही थी कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है हिसार की डीसी के जो रेजिडेंस है उसके बराबर में जो पार्क है उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, और अभी कुछ दिन पहले डीसी रेजिडेंस के बिल्कुल पीछे एक बैंक है जहाँ पर डकैती हो जाती है, तो सिक्योरिटी के नाम पर इस तरीके से जो है तानाशाही क्या करना सही है? देखिए सबसे ज्यादा क्राइम की बातें हम करें तो देखो टाउन पार्क है, चाहे मधुन पार्क है, चाहे दूसरे बड़े पार्क है, वहाँ फिर होती हैं मर्डर और अपहरण जैसे वारदातें हो रही हैं,
होती रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी ने ये कहा हो कि वहाँ के रेजिडेंट ने या साथ में जेल है, कभी जेल के कैदियों ने कहा हो कि जी सुरक्षा मैटर है और टर्म वर्क हमारे हवाले कर दो, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कोई डिमांड। तो यही मामला यहाँ पे है। अगर डीसी साहब को सिक्योरिटी में दिक्कत है तो अपने हाउस की दीवारें ऊंची करवा सकते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड एक्स्ट्रा रख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। 10 साल पहले जब ये पार्क बंद किया गया था तो क्या आपके जानकारी में कोई ऐसा मामला आया कि डीसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई या सिक्योरिटी लैप्स कहीं पर नजर आया? हमने इस बारे में आरटीआई डाल दी है, यही हम जानना चाह रहे हैं कि हमने खुद पूछा इसमें कि आप बताइए कि कोई एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, कि किस तरह की घटना हुई थी, क्या एफआईआर दर्ज हुई और उसमें क्या निकल के आया। तो उसके लिए हमने अभी आरटीआई डाल रखी है, वो पाइपलाइन में चीजें जैसे आएगी शेयर करेंगे आपसे। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी हाँ जी। डर नहीं लगता डीसी मतलब जिला की मालिक बोलती है उनको? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ये आपके ऊपर केस दर्ज हो जाए क्योंकि ना होता है ऐसा कि? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखो ये चीजें तो आपको क्या लग रहा है सर? देखो ये अगर इस तरह की चीजों में जाएंगे तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। और ठीक है कोई बात नहीं, अगर लीगल प्रोसेस में वो अगर हमें कुछ करेंगे तो हम जमानत भी लेंगे, आगे लड़ाई भी लड़ेंगे, कोर्ट की लड़ाई भी अलग तरीके से लड़ेंगे। ऐसा ना हो कि बाबा का बुलडोजर भी हिसार तक पहुंच जाए। पहुंच जाएगा तो हमारे अकेले घर तक पहुंचे डीजी साहब के ऑफिस में पहुंचेगा। बुलडोजर गरीब लोगों के ऊपर चल रहा है। देखो रामचाट भंडारा वैध है, डीसी महोदया के ऊपर आप आरोप लगा रहे कि उन्होंने यह कब्जा किया हुआ है पार्क के ऊपर। ऐसा जी ऐसी तो बहुत सी बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग है तो हम हजारों बता सकते हैं सरकारी आपको, जहां फायर एंड सीन्स नहीं है, ठीक है, या अवैध तरीके से बनी है, या जिनके नक्शे बाद होस्टाफ नगर निगम के अगर नक्शे मांगोगे तो होस्टा उनके पास ना हो, तो ये चीज तो आपको पूरे देश में मिलेगी। क्या आपको लगता है आरटीआई का जवाब आने से पहले आपको इस तरीके से मीडिया के सामने आकर के हिसार की डीसी के ऊपर एलिगेशन लगाने चाहिए? अब बिल्कुल मुझे लगता है कि पब्लिक पार्क है, इतना रिश्ता लेना ही पड़ेगा। अगर आप एक तो देखो बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए और इन अफसरों के लिए कि आपको लीगल में उलझा देंगे वो आपको, और कहेंगे जी एक आरटीआई डालो, फिर तीसरे दिन जा करो, फिर उसको फर्स्ट बिल में जाओ, फिर सेकंड बिल में सालों पड़ी रहेगी, फिर आप हाईकोर्ट चले जाओ, और वो थकाने के प्रोसेस में आपको वो कागज ही नहीं निकल के आएंगे आपके। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो आप, अगर आप गलत हैं तो मुकदमा भुगत लेंगे हम, लेकिन पहले ये इसका मामला क्लियर तो करें, ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई में या वेबसाइट्स पे डाले, क्लियर हो जाएगा क्या है। ये तो सेक्शन 4 में, ये तो आरटीआई के सेक्शन 4 का वॉयलेशन कर रहे हैं ना, सेक्शन 4 के वॉयलेशन ना करके ये सब इन्फॉर्मेशन ये डाटा वेबसाइट पे डाल दें, हम तैयार हैं हर चीज के लिए। सवाल फिर वही उठता है कि आपको अभी तक आरटीआई का जवाब नहीं मिला है, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये निगम का पार्क है? ये यहाँ के लोगों से, ये यहाँ से यहाँ के लोगों से भी पता लगा, हम नगर निगम के कमिश्नर से मिल के आए, उनसे भी बातचीत करके आए हैं, वहाँ से भी पता लगा। अगर उनका ना होता ये तो हमारी कंप्लेंट यूनिट नगर निगम के कमिश्नर की तरफ से आपको क्या कहा गया? उन्होंने एप्लीकेशन लिए, रिसीविंग करके दिए हमें, हमें क्या कहा है? अब तो वो करेंगे एप्लीकेशन और आरटीआई लगाने के बल बूते पर हम इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठा सकते। नहीं नहीं नहीं, आपके जिस डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन दोगे वो मिनट में कह देंगे जी हमारा काम नहीं है, आप दूसरे में जाओ। उन्होंने कमिश्नर को देखा है, कोई रीडर को नहीं देखा है, कोई कमिश्नर से मिल के आए हम कमिश्नर से, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ हजारों लोगों ने धरना दिया है पहले, 10 साल पहले हमारे भी नजर में आई है, अखबार में भास्कर पेपर में आया था ये, 10 साल पहले भास्कर पेपर में इसको रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट किया था, और ये अभी 4 दिन पहले हमारी भास्कर में भी छपी है। सर एक सवाल और लास्ट। हाँ जी हाँ जी, आप इस मामले को लेकर जिन्होंने कब्जा किया वो प्रशासनिक अफसर भी है? हाँ जी हाँ जी, सीधी सीधी उनसे बातचीत की? हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम मंडलायुक्त से मिलने गए थे, हमने कल मंडलायुक्त से मिलने गए थे, मंडलायुक्त जी मौजूद नहीं थे तो उनके सुप्रिंटेंडेंट से मिले थे, हमने उनको डॉक्यूमेंट दिखाया कि सर ये मामला है, तो उन्होंने कहा जी आप डीसी साहब से मिले, मैंने कहा जी डीसी के साहब के खिलाफ कंप्लेंट है, उन्होंने पढ़ा है, हमें रिसीविंग दी है, वो हम डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर लेंगे।